A straight horizontal conducting rod, length 0.45 meter and mass 60 gram, is suspended by two vertical wires. ये सीलिंग है छत छत से ये दो वर्टिकल वायर हमने लिए और यहां पर एक रॉड को लटका दिया इस रॉड का लेंथ 0.45 मीटर एंड इट्स मास इज इक्वल टू 60 ग्राम 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी ये समझ आया 60 ग्राम केजी और ये भी एसआई सिस्टम में मीटर ओके दिस इज सस्पेंडेड बाय टू वर्टिकल वायर्स ए करंट 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड इसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर What magnetic field should be set up normal to the wires? इनके normal ऐसे इस direction में हमको एक magnetic field लगाना है और हमें बताना है what is that magnetic field? In order that tension in the wire is zero. Tension in the wire. इन wires में कुछ tension है क्या बता सकते हैं कि tension नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है? ऊपर टेंशन दोनों तरफ होता है तो पहले आपको पूछना चाहिए कि किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है बताओ यहाँ टेंशन कहाँ है नीचे के ऊपर यहाँ पर नीचे है यहाँ पर ऊपर इधर रॉड रखा है यहाँ टेंशन ऊपर है तो एनीवे ये वाली जो दोनों वायर्स हैं इसमें टेंशन है ये टेंशन किस कारण से है बताइए व्हाई देयर इज अ टेंशन इन द वायर बिकॉज Because the weight of the rod, okay. तो ये दोनों टेंशन T और T 2T. इस ये किसके बराबर है? Very good. This is equal to M. ये समझ आता है? Okay. So 2T is equal to M. G. M हमको पता है. G की वैल्यू हमको पता है. So we know the tension. So T is equal to M की वैल्यू भी हमें पता है एम जी अपॉन जी ये टेंशन हमने अभी यहां रोक के रखा इस टेंशन को हमने क्या करना है टेंशन को क्या करना है जीरो कैसे कर सकते हैं अप्लाई फोर्स अपवर्ड ठीक है तो हमको ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो किसके बराबर होना चाहिए टेंशन के बराबर तो टेंशन नेट कितना हो जाएगा जीरो जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है सो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अपवर्ड शुड बी इक्वल टू टेंशन तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बताइए कितना होता है फॉर्मूला फॉर्मूला किसमें चाहिए इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो ऐसा फॉर्मूला बताइएगा जिसमें बी भी आता हो और आई भी आता हो फोर्स फोर्स का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें बी हो और आई हो क्या बोले बी आई एल है बी इंटू आई इंटू एल ये फॉर्मूला है अच्छा क्यू वाला क्या फॉर्मूला है
QEB और I वाला क्या फॉर्मूला है BIL या IL भी कुछ भी मान, ये तीन क्वांटिटी होनी चाहिए, इसमें कौन सा लगाएंगे? I वाला, क्योंकि करंट हमको दी गई है, ठीक। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा B इंटू आई इंटू एल, ये टेंशन के बदले में क्या लिखा mg by 2। क्या निकालना है हमको क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बाकी सब चीजें देखो पता है कि नहीं? यू नो ऑल द थिंग्स, आई भी दिया है, एल भी दिया है, एम भी दिया है, जी भी नो, तो बी निकल जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ओके, थोड़ा सा इस इक्वेशन में और एक बात सुनिए, ये फोर्स टेंशन इतना है, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स इस टेंशन को कैंसिल करेगा और इस टेंशन को, इसको भी कैंसिल करेगा, तो ये फोर्स एक फोर्स है, दो टेंशन को कैंसिल करना है, तो दो टेंशन को कैंसिल करना है तो फोर्स हमको किसके बराबर लेना है, 2T, और 2T किसके बराबर है, mg, इसलिए ये फोर्स को 2T और 2T को किसके बराबर लेंगे, mg। अच्छा वैसे भी सोचिए, रॉड नीचे गिर रहा है किस फोर्स से, mg, रॉड नीचे गिरता है mg, और हम चाहते हैं कि ऊपर टेंशन मत रहे, यानी नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देना, तो बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, mg, तो हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg, mg by 2 करने से क्या होगा, सिर्फ इसका टेंशन खत्म होगा, इसका टेंशन रहेगा आधे का, समझ आ गई बात, तो पूरा फोर्स नीचे कितना है, दोनों टेंशन यानी mg के बराबर, इसलिए हमारा इक्वेशन क्या बना, फोर्स इज इक्वल टू mg, BIL इज इक्वल टू mg, और इससे भी निकाला, तो इससे भी निकाला, तो आपने जो अभी निकाला दैट विल बी 0.26 टेस्ला, कितने निकले ना, 0.3। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, बी वैसा, अच्छा इसमें ये बताइए बी की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, हम जो बी लगा रहे हैं नॉर्मल तो है, पर नॉर्मल बाहर की तरफ या नॉर्मल अंदर की तरफ, कैसे मालूम, करंट की डायरेक्शन तो इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा लगाओगे कि ऐसा लगाओगे, तो हमारी मर्जी है। अरे वाह वाह, आप तो मुझे ये बता रहे हो कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो काम पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो हम लगा रहे हैं, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप, हमने सेट अप किया उसके कारण इस पर क्या लगा, फोर्स, तो हम जो सेटअप करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ करेंगे या बाहर की तरफ, कैसे मालूम, सर उसके अपोजिट करेंगे, किसके अपोजिट, सर जो उसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखिए ये करंट फ्लो हो रही है, इस करंट के कारण यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अंदर, उसका अपोजिट कैसा हुआ, राइट, इस करंट के कारण यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके अपोजिट क्या हुआ, तो अंदर लगाओगे की बात, सर ऐसे करंट के हिसाब से इधर जा रहा है एक तरफ, इधर जा रहा है एक तरफ, तो इसके उल्टा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों खुद ही उल्टे, ऐसा नहीं सोचते हम, इस पे क्या लगाने वाले हैं, फोर्स, फोर्स किसके कारण से पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए आपके पास कौन सा नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन देखनी थी, ए करंट फ्लोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज ए फोर्स, हाँ कौन सा रूल है, क्या हो गया आप लोग को भाई याद नहीं है, लेफ्ट हैंड रूल किस लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, फोर्स किधर चाहिए, ऊपर, ऊपर, करंट किधर है,
हाँ, तो करंट को पहले सेट कर लो, ये पहले सेट करो इधर, ये फोर्स किधर चाहिए इसको इधर ही रखना और फोर्स को कहां कर देना ऊपर। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, अंदर। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, गोइंग इनसाइड, ये ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा गोइंग इनसाइड। तब इस पर किधर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, और इसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए? अच्छा अब सुनिए अगला क्वेश्चन, ये कहता है इसका बी पार्ट कि यही मैग्नेटिक फील्ड को हमने रहने दिया लेकिन करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी, अब क्या होगा, अब बताइए फोर्स किधर आएगा, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, करंट किधर है, इस तरफ। तो ये हमने करंट कर दी, फोर्स किधर आ गया, नीचे। ये फोर्स, ये बी। अब ये क्या पूछते हैं, व्हाट विल बी टेंशन इन द वायर्स। सुनिए फिर से, थोड़ा लॉजिक लगाइए। पहले इसका नीचे की तरफ फोर्स कितना था बिना किसी करंट के, mg, कितना था mg। हमने करंट फ्लो कराई, ऊपर की तरफ कितना फोर्स क्रिएट किया, mg, ताकि नेट क्या हो जाए, जीरो। अगर हम उस करंट को सीधा करने की बजाय, या सॉरी उस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को पलट दे, या करंट की डायरेक्शन को पलट दे, तो अब फोर्स किधर पैदा होगा, ऊपर की बजाय नीचे, कितना, जितना पहले था, कितना mg। तो अब नीचे की तरफ कितना फोर्स हो गया, mg उसका अपना, और mg करंट ने पैदा किया, कितना हो गया 2mg। ठीक है, तो फोर्स डाउनवर्ड कितना हो गया 2mg। अगर 2mg डाउनवर्ड फोर्स हो गया तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी टेंशन इन द वायर्स। टोटल टेंशन 2mg एंड टेंशन इन द ईच वायर इज इक्वल टू mg। समझ आ गया? तो जब सीधी करंट फ्लो होगी तो mg ऊपर बनेगा और इस mg को कैंसिल कर देगा, जीरो। जब इधर करंट होगी उल्टी कर देंगे तो ये mg फोर्स नीचे बनेगा और इसका अपना mg के साथ मिलके कितना बना देगा 2mg। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। डेरिवेशन याद करिए गैल्वेनोमीटर का। डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें करंट के कारण एक टॉर्क बनता है, उस टॉर्क के कारण ये कॉइल अपनी जगह से ऐसा घूमना चाहती है। जब ये ऐसा घूमना चाहती है नीचे का स्प्रिंग टाइट होता है और वो स्प्रिंग उस पर उल्टा टॉर्क लगाता है उसको वापस लाने के लिए। तो ये दोनों टॉर्क जहां बराबर हो जाते हैं उतनी दूर तक घूम के गैल्वेनोमीटर की कॉइल रुक जाती है। याद आया कुछ? हाँ, आगे क्योंकि परसों पढ़ा था बहुत दिनों में। तो जो टॉर्क करंट के कारण लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और जो टॉर्क स्प्रिंग के कारण लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों ने किया हुआ है। ओके, तो उसको थोड़ा सा याद करिए कि जो टॉर्क पैदा होता है वो टॉर्क किसके बराबर होता है। तो वो हमने निकाला था दैट टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। एन आई ए बी और एन आई ए को हमने क्या माना था, एम। व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये किसके बराबर होता है, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग एंड एरिया। ये टॉर्क किसने पैदा किया, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल फ्लो होती है, जो कॉइल में करंट फ्लो होती है इसके कारण एमवी। और ये जो एमवी है ये दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने लिया था करंट के और उसके साथ आई। इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
moving coil galvanometer experience torque is equal to KI. हमको क्या दिया गया है टॉर्क की वैल्यू K into I और हम जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है MB. ओके MB is equal to KI. तो K किसके बराबर हुआ MB upon I. MB की वैल्यू रख दीजिए M I A into B divided by I. आई आई कैंसर तो क्या बचा एन ए बी ये किसकी वैल्यू आई के कुछ बात आई समझ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ओके तो के की वैल्यू मिली हमको एन बी ए ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट सबका हो गया नोट कर लीजिए पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है इफ फॉर करंट आई द डिफ्रेक्शन इज पाई बाई टू फाइंड आउट टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग टॉर्शनल कांस्टेंट किस इक्वेशन में आता है द टॉर्क क्रिएटेड बाय गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू टॉर्क क्रिएटेड बाय स्प्रिंग टॉर्क क्रिएटेड बाय स्प्रिंग के लिए हमने क्या माना था कि टॉर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फाइ एंगल के क्या है टॉर्शनल कांस्टेंट यानी टॉर्शन क्रिएटेड टॉर्क क्रिएटेड फॉर वन डिग्री ऑफ रोटेशन और घुमा कितना फाइव डिग्री इतना घूमने से ये इसमें टॉर्क क्रिएट हुआ और इसमें कितना टॉर्क क्रिएट होता है गैल्वेनोमीटर में दैट इज एम इनटू बी ओके सो हियर इट इज गिवन टू अस फॉर करंट आई अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो करंट आई फ्लो होने से टॉर्क कितना होता है एन आई ए बी एन आई ए बी दिस इज इक्वल टू के इंटू फाइव ना एन आई ए बी इज इक्वल टू के इंटू फाइव ये समझ आया ओके अब इनका ये कहना है इफ फॉर करंट आई डिफ्लेक्शन इज पाई बाय टू ये पाई बाय टू कौन है वेरी फल सो इसको हम कितना लेंगे डिफ्लेक्शन इज पाई बाय टू सो दिस इज फाई इज पाई बाय टू ओके देन व्हाट वी हैव टू फाइंड टॉर्शनल कांस्टेंट के के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए फाई को क्या लेना है पाई बाय टू सो दिस इज एन I A B upon pi 2. Pi by 2. ठीक है pi को क्या लिया हमने pi by 2 और उसकी वैल्यू रख दी तो उससे क्या निकल गया टॉर्शनल कांस्टेंट. ठीक इस तरह से टॉर्शनल कांस्टेंट निकाला हमने दिस इज पार्ट B. दिस इज पार्ट A. फॉर्मूला याद आया एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाइव अब इसमें थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है इफ ए चार्ज क्यू इज पास सडनली थ्रू द गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जैसे ही हम उसमें से एक शॉट में चार्ज क्यू पास करते हैं तो चार्ज क्यू पास होगा तो कुछ करंट बनेगी उस करंट के कारण उसमें एक टॉर्क पैदा होगा टॉर्क के कारण उसमें एक झटका लगेगा ऐसे करंट छुआया हटा दिया उसने ऐसे एक झटका लगाया वापस आ गया उस समय उसका मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा यह हमसे पूछा जा रहा है तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हमारा तरीका थोड़ा सा आपको यहां पर खुद सोचना पड़ेगा अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है तो इसमें हमको अलग अलग चैप्टर्स की एक्सपर्टाइज जरूरी है और हमको सोचना है कि जब करंट से इस तरह का झटका लगता है तो क्या चीज यहां पर इक्वल होती है इक्वेशन हमको किसका मिलेगा
तो आंसर है कि जब भी कोई चीज किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक इंपल्स बनता है, उस पर फोर्स लगेगा थोड़े टाइम के लिए और उसमें एक इंपल्स पैदा होगा, ये उस इंपल्स के कारण वो घूमेगी। तो क्या इंपल्स हमको निकालना आता है? रोटेशन में इंपल्स कैसे निकलता है? तो आंसर है आपको नहीं आता है। ठीक है, एनीवे इंपल्स का फॉर्मूला देखिए, इंपल्स का लीनियर मोशन में आपको फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इनटू टाइम। फिर से याद करिए इंपल्स, देखिए इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमको एक चीज मालूम है कि हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कोई चीज ऐसा घूमेगी किसके कारण, करंट के कारण। तो इसमें हम एंगुलर एनर्जी पे भी काम कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रोटेशन, टॉर्क पे भी काम कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सपर्टाइज है कि हम किस पर काम करना चाहते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम मोमेंट पे काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू टाइम। फिर से देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला या इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। एफ डी टी इंटीग्रल इज मोमेंटम या इंपल्स। इसी इंपल्स का एक दूसरा फॉर्मूला हमको इलेक्ट्रिसिटी में मालूम है, एंड दैट इज आई इंटू डी टी, जो हमने चार्ज दिया, और बी इंटू एन इंटू ए। देखिए फिर से बी एन ए और आई, बी एन ए आई, ये क्या होता है, दिस इज बी एन ए आई, एन आई ए इज एन और उसके साथ हमने बी लगाया, एन इंटू बी, ये क्या है, टॉर्क। ओके, तो इंपल्स ड्यू टू चार्ज, इंपल्स ड्यू टू चार्ज, इंपल्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल टॉर्क डी। अगर लीनियर इंपल्स होता तो फोर्स इंटू डी टी, एंगुलर है तो टॉर्क इंटू डी टी। ओके, ये जो टॉर्क इंटू डी टी है, इसमें टाइम हम लेंगे जीरो से टी तक। ओके, डजंट मैटर। अब इस टॉर्क को हमने कन्वर्ट किया टॉर्क के फॉर्मूले से, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी और एम बी इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये हमने किया होगा। सो दिस इज इक्वल टू जीरो टू टी एंड दिस इज एन आई ए बी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को हमने बाहर कर दिया तो ये आ गया एन ए बी और इंटीग्रेशन आई डी जीरो टू। क्यों आई बाहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब चार्ज फ्लो होता है तो उस समय करंट की शुरू की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब चार्ज फ्लो होगा करंट बढ़ेगी और फिर जब चार्ज खत्म होगा फिर करंट जीरो हो जाएगी, यानी करंट जीरो टू इंक्रीज हुई, इंक्रीज होके डिक्रीज हुई। तो करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल, किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। सो करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज ए वेरिएबल, इसलिए I into dt का इंटीग्रेशन होगा, n a और b ये तीनों इसके बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये हुआ I dt। अब बताइए I dt क्या होता है, dq चार्ज। यस, वेरी गुड, I into dt इज dq।
I into dt is d cube, और d cube को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा q, d cube को इंटीग्रेट करेंगे तो q, तो ये हमारा फॉर्म होगा क्या बना n a b q, तो ये हम इसको लेकर आए इंपल्स, तो ये हमने इंपल्स का फॉर्मूला बनाया, इसमें हमने किसको इंट्रोड्यूस किया ये क्यू, क्यों, क्योंकि हमको क्या दिया है ये इफ ए चार्ज क्यू इज पास्ट, अगर हम चार्ज क्यू पास करते हैं तो कॉयल में क्या क्रिएट होता है, एक झटका लगता है, उस झटके में क्या क्रिएट होता है मोमेंटम, और मोमेंटम के टोटल सब को हम क्या बोलते हैं इंपल्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू डी टी स्ट्रेट मोशन में, टॉर्क इंटू डी टी रोटेशनल मोशन, ये वाला नॉलेज लगा के हमने यहां से शुरू किया, टॉर्क इंटू डी टी टोटल इंपल्स, टॉर्क इसके बराबर, टॉर्क क्या होता है एम इंटू बी, और कॉइल के टॉर्क का हमने निकाला हुआ फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला एन आई ए बी इंटू डी टी, इसमें वेरिएबल कौन है आई, बाकी सब कांस्टेंट बाहर, आई डी टी, आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन हुआ एन ए डी क्यू, तो ये एन ए डी क्यू हमने किसकी वैल्यू निकाली इंपल्स की, अब रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, तो हमारा आंसर है रोटेशनल मोशन में इंपल्स का फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, फिर से याद करिए इंपल्स क्या होता है मोमेंटम, इंपल्स इज मोमेंटम, देखिए फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम आपने क्लास में पढ़ा है, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं इंपल्स, फोर्स इंटू टाइम को, ओके ये हमने यहां निकाला, और मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला क्या होता है, यस स्ट्रेट लाइन चलने वाले में एम इंटू वी मोमेंटम, जब कोई चीज गोल घूमेगी तो एम की जगह क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वी की जगह क्या होगा ओमेगा, तो मोमेंटम का रोटेशनल मोमेंट में, रोटेशनल इसमें क्या, रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, तो ये किसके बराबर है आई इंटू ओमेगा, तो वी राइट इट हियर, एम ए बी क्यू इज इक्वल आई इंटू ओमेगा, क्योंकि ये क्या चीज है इंपल्स और मोमेंटम, ये हमने मोमेंटम किससे निकाला चार्ज से, चार्ज यानी करंट से, और ये मोमेंटम फॉर्मूला लगाया रोटेशनल मोशन में, ये मोमेंटम होता है, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, तो ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमको ओमेगा को थीटा में कन्वर्ट करना आता है, ओमेगा को थीटा में, ओमेगा किसके बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी रोटेशनल मोशन में, याद आया थीटा इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, उसमें क्या आ गया थीटा, और थीटा हमको क्यों चाहिए क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं एंगल पूछ रहे, तो एंगल का कनेक्शन किससे है ओमेगा, अगर हमको ओमेगा मिल गया तो हम थीटा निकाल लेंगे कैसे भी करके, तो इसलिए हम ओमेगा निकालना चाहते हैं और इसलिए हमने ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाया, तो देखिए अब ओमेगा किसके बराबर हुआ एम ए बी क्यू अपॉन आई, सो ओमेगा का क्यू से रिलेशन हो गया एन ए बी अपॉन आई इंटू क्यू, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, अब ये है जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उस समय क्या कंडीशन होती है, अभी भी हम यहां आगे फंस गए हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमको इक्वेशन चाहिए, तो आंसर है कि जब भी किसी चीज को देखिए एक कॉइल है और वो डिफ्लेक्ट हो रही है ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे,
इसके पास जब ये अपने मिडिल पोजीशन से ऐसे जाती है ऑसिलेट करते हुए, इसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में जाके वो क्या बन जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहां पर वापस आई, फिर से हमने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ये जाके ऐसा गई, स्प्रिंग ने इसको टाइट किया, रुक गई, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर ये ऐसा वापस आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, या फिर से हम इसको करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमको पता है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर से लीनियर मोशन में क्या होता है, हाफ एम डी स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जिस समय रोटेशन स्टार्ट लेता है, एट स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब ये ऐसा घूमा और लास्ट में जाकर रुक गया, किसने रोका, स्प्रिंग ने, स्प्रिंग कितना घूमा, कुछ एंगल घूमा थीटा, अगर वो स्प्रिंग थीटा एंगल घूमा तो स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी जमा हो गई, याद आया कुछ, वेरी गुड, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग थीटा एंगल में घूमा तो उसके पास एनर्जी कितनी, हाफ के थीटा स्क्वायर, ये आपको अलग टर्म में याद होगा, चीज वही है, हाफ के ओमेगा स्क्वायर या हाफ के थीटा स्क्वायर, हाफ के फाई स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए। तो जब स्प्रिंग ऐसा घूमता है तो स्प्रिंग के पास एनर्जी कितनी आ जाती है, स्प्रिंग एनर्जी हाफ के थीटा स्क्वायर, थीटा फाई जो भी मान, ये एनर्जी किसमें आई, स्प्रिंग में, क्यों आई, क्योंकि कॉइल ने ऐसा घूमना शुरू किया, कॉइल के पास शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, उसके पास ओमेगा वेलोसिटी थी, ओमेगा वेलोसिटी से जब कॉइल घूमती है तो नीचे से स्प्रिंग में उसकी एनर्जी जाते जाती है, क्यों, स्प्रिंग टाइट होते जा रहा है, जब स्प्रिंग फुल टाइट हो गया तो कॉइल रुक गई, तो उसकी एनर्जी कहां गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉइल, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई है, इसलिए हमको इक्वेशन मिल गया, क्या इक्वेशन मिला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के थीटा स्क्वायर। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, कौन सा एंगल ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम, क्यों, इस पर जाकर वो रुक गया, जब वो इस पर रुका इसका मतलब एंगल कैसा हो गया, मैक्सिमम, सो दिस इज मैक्सिमम एंगल। अब इसमें देखिए ये कैंसल, ओके, अब इसमें हमको इसकी वैल्यू रखनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा स्क्वायर, तो अब इसमें वैल्यूज रख के हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन के थीटा, और इसका ये के इधर आया, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन के का रूट, अब यहां पर रूट ओमेगा की वैल्यू ये रही, ओमेगा स्क्वायर किया तो ये है आई अपॉन के, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन के, ओके, अब ये देखिए के किसके बराबर है, एनएबी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए बी,
टेंशन. तो अब थीटा के क्यू स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल लीजिए. तो थीटा मैक्सिमम एस इक्वल टू क्यू बाहर आ गया, एक एन ए बी कैंसल हो गया एन ए बी. सो दिस इज बी एन ए और उसके बाद आई. आई की वैल्यू हमने कहीं निकाली हुई है? मैक्सिमम थीटा की वैल्यू आ गई.